सो गाइस फाइनली मुझे शूट। गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? और आज का वेदर बहुत 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 अच्छा है। शायद आज बारिश हो सकती है, बस वेदर अच्छा है, बारिश का कुछ अता पता नहीं है। क्योंकि यहाँ का वेदर ना पता कैसा है, कभी धूप कभी छाव कभी बारिश, और बारिश भी ऐसी कि बहुत थोड़ी थोड़ी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है। तो सबसे पहले रेडी शेडी होकर, जैसे कि कल मैंने कहा था कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले तो मैं जा रही हूँ साहिल के वही वाले शूज़ देखने और लेने, अगर मिल जाते हैं तो। सबसे पहले मरीना मॉल आई हूँ क्योंकि यहाँ पे भी नाइकी स्टोर है, मैंने कल पूछा था। तो जब मैं ले लूँगी ना, उसी के बाद आप लोगों को मिलूँगी। मैं व्लॉग नहीं करूँगी ये वाला, फिर उसके बाद जाएंगे सीधा गोल्ड सूट क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो अभी बस जा रही हूँ मरीना मॉल, उसके बाद आप लोगों को मिलती हूँ। और हाँ, कॉमेंट ऑफ द डे गाइज, ये है कॉमेंट, थैंक यू सो मच। अब मैं जा रही हूँ। जब वेदर अच्छा होता है आपको अच्छा अच्छा लगता है ना, क्योंकि हवा इतनी ठंडी ठंडी चल रही है और एक दिन रह गया है मेरा, तो अब दुबई का वेदर देखो इतना अच्छा हो रहा है। ऐसा ही होता है सुबह के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, कि जब जाने का टाइम होता है तब ऐसा लगता है कि हाँ ये तो रह ही गया था, लेकिन कुछ रहा नहीं है, सब कुछ मैंने घूम लिया है और बस अब मैं जा रही हूँ। सो गाइज, ये वाला है मरीना मॉल, तो अभी यहीं जाना है मैंने। यहाँ पे यही है, मैंने कहा था व्लॉग नहीं करूँगी लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। जाते ही उन्होंने बोला कि यहाँ पे ये आर्टिकल नहीं है, आपको दुबई मॉल में मिलेगा या मॉल ऑफ एमिरेट्स में। तो कल मॉल ऑफ एमिरेट्स में तो मैंने पता कर ही लिया था, तो फाइनली जो प्लान था वही करना पड़ेगा। मुझे लगा मरीना मॉल पास है तो देख लेती हूँ, लेकिन जाएंगे दुबई मॉल ही, तो पहले गोल्ड सूट जाऊँगी उसके बाद दुबई मॉल जाऊँगी। पर देख लो इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं साहिल के लिए ना उस शूज़ के पीछे, क्योंकि मुझे मेरा दिल कह रहा है उनको वो बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई हूँ गोल्ड सूक। आज बहुत तेज हवा है, बहुत ज्यादा तेज। यहाँ से वॉक करके जाना है आगे तक, और थोड़ा सा यह रास्ता, लेकिन हवा देखो कितनी तेज है। सही है, घूमने में मजा आएगा, वैसे भी वहाँ पे ना धूप में नहीं घूम सकते आप, तो आज का वेदर बिल्कुल फर्स्ट क्लास है गोल्ड सूक घूमने के लिए। ये देख लो मेरी हालत देख लो आप। गाइस ये न्यू वाला गोल्ड सूक है और हमें जाना है पुराने वाले में जो उधर बताया है। पता नहीं गाइस कहाँ गया वो पुराने वाला गोल्ड सूक। हमेशा मैं टैक्सी से आई हूँ ना, पर टैक्सी से बहुत पैसे लगते हैं, मैंने सोचा मेट्रो से चल लेती हूँ। अब मुझे इतना चलना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो टैक्सी ले लेती, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि सब बोल रहे हैं सामने है, सामने है, सामने है, मुझे हो गई है 20 मिनट चलते चलते, पता नहीं लगता है यहाँ पे टाइम का, इतना चलना पड़ता है। फाइनली पहुँच गई हूँ, अब मुझे ढूंढनी है ड्राई फ्रूट्स वाली शॉप। ये कौन पहनता है भाई इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, ये तो समझ आ रही है गाइस, ये नहीं समझ आ रही। सो गाइस मैंने फिर से कुछ परफ्यूम पसंद किए हैं, और ये देखो ये मैंने अपने पापा के लिए लिया है, इत्र नहीं अत्र, और ये है वो कस्तूरी जो वो कहते हैं कि मुझे चाहिए। उस दिन कोई और ले आई थी ना मैं, तो इसमें फिल करके और फिर ऐसे ही यूज कर सकते हैं। अब मैं अपने लिए एक स्पेशल ऊद बनवा रही हूँ जो अच्छा है बहुत। बोटला
गाइज ये भी एक बॉटल है, देखो इस पे बुर्ज बना हुआ है, ये बुर्ज अल अरब बना हुआ है, आप कोई भी ले सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट। मुझे ये अच्छा लग रहा है, बट ये यहाँ का सबसे ऐसे दुबई वाइब वाला है बॉटल। क्या कह रहे थे आप? गिफ्ट गिफ्ट। हाँ हाँ फीडबैक फॉर दिस। ओके सो गाइस ये है छोटू सा मेरा गिफ्ट जो हर बार मिलता है मुझे यहाँ से। इस बार ज्यादा छोटा मिला है, हर बार बड़ा मिलता है। टुगेदर बुर्जल अरब सेपरेट अलग अलग कर दो। मोर देन लेट्स मोर देन गोल्डन ना। ये 22 कैरेट वाला पाउच है। 24 कैरेट। अच्छा गुड गुड। यहाँ से अगर गाइस आप लोग लेंगे हो तो आपको पाउच 24 कैरेट गोल्ड के मिलेंगे फ्री। World is golden purple. ठीक है, थैंक यू। इसलिए गोल्ड पाउच। सो गाइस इनके ना अलग अलग नाम है, एक है ये और एक है ये। ये है मजदूर। हाँ केसर? नहीं केसर नहीं। तो ये इन्होंने मुझे टेस्ट कराया है अभी, काफ़ी अच्छा था तो मैंने ये लिया। यहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्रॉकरी भी है, कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। स्पाइसेस भी है? नहीं बस खजूर ही चाहिए था। यहाँ पे केसर को क्या बोलते हैं? केसर को क्या बोलते हैं? सैफरन। सैफरन ना, वो तो इंग्लिश में सैफरन बोलते हैं, हम लोग केसर बोलते हैं। नहीं इंडिया वाले केसर ही बोलते हैं। इंडिया वाले केसर बोलते हैं। हाँ जब वो इंग्लिश वाले होते हैं वो बोलते हैं सैफरन बोलते हैं। हाँ आई वांट सैफरन। अच्छा। और आप लोग क्या बोलते हैं? हम लोग भी साफरान ही बोलते हैं। साफरान। अच्छा साफरान बोलते हैं, कोई कोई साफरान बोलते हैं। अच्छा जी। क्या है इस फाइनली कस्तूरी पापा का वो भी मिल गया मुझे जो उनको चाहिए था, और मम्मा के खजूर भी मिल गए। अब कुछ खाने पीने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंडियन फूड भी मिलता है टेस्टी टेस्टी। गाइस ये साइज़ चेक करो, ये कौन पहनता है भाई क्रॉकरी? ये गोल्ड में है, ये सिल्वर में है, और कैसे इस पे जरकन लगाया हुआ है। अभी खाने के लिए नहीं मिला, अब मैं जा रही हूँ दुबई मॉल, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ चल चल के ना, पर सारा सामान मुझे मिल गया है, बाकी बस साहिल के शूज़ रह गए हैं। फाइनली पहुँच गई हूँ दुबई मॉल, और देखो पूरा ना अंधेरा हो गया है आज मुझे। ये देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। तो गाइस फाइनली मुझे शूज़ मिल गए हैं और मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले बिल करा लूं। ये देखो गाइस एकदम रियल लग रहा है ना, और ये भी। ये बहुत वियर्ड है, इससे तो सही में अजीब सा हो गया। ये क्या है? नाइस, मुझे ये अच्छा लगा। क्यूट से पेंगुइन, क्यूटी। ये देखो इसके साथ इसका बेबी भी है।
सारे ही क्यूट है ना, ये सबसे बड़े वाले हैं, ये वाले देखो गाइस कितने क्यूट है। और सबसे क्यूट दिखाऊं कौन सा है, ये क्यूट सा यूनिकॉर्न, कितना ज़्यादा क्यूट है। और ये पिकॉक देखो, ये मंकी है, सबसे क्यूट मुझे ये और ये लगा, इसको भी इसके साथ बिठा देती हूँ। ये गाइज मैं इस एक्वेरियम में गई थी क्योंकि इसमें ना काफ़ी अच्छे अच्छे टॉयज होते हैं क्यूट क्यूट से जो मैंने आपको दिखाए। गाइज साहिल को चाहिए चीटोज जो मैं कल आपको बोल रही थी ना कि उन्होंने मांगे हैं, तो अभी उनके लिए मैं चीटोज देख रही हूँ। एक ये है, एक ये है और एक ये है।